क्लास एट चैप्टर थ्री लेक्चर नंबर टू कंप्यूटर। इसके पहले हम लोगों ने देखा था विजुअल बेसिक के इंट्रोडक्शन के बारे में। इसमें देखा था कि विजुअल बेसिक जो है वो कैसे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, और ये इसका जो इन्वायरमेंट होता है वो जीयूआई मतलब ग्राफिक यूजर इंटरफेस, वही विजुअल बेसिक का जो ऑरिजिन था वो टेक्स्ट यूजर इंटरफेस था, यानी कि उसका इन्वायरमेंट का था जीयूआई था। अब क्या हो गया जीयूआई, अब क्या हो गया कि पहले जो हम लोग प्रोग्रामिंग करते थे उसमें बहुत प्रॉब्लम होता था क्योंकि वो जीयूआई था, लेकिन अब इसका जो यूजर इंटरफेस है वो जीयूआई हो गया है, जिसकी वजह से हम लोगों को ग्राफिक्स दिखाई देता है और इजीली हम लोग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और ये भी देखे थे कि हम लोग विजुअल बेसिक में बहुत सारे टूल्स होते हैं, तो उन्हीं टूल्स के बारे में हम लोग को आज देखना है कि कौन कौन से टूल्स होते हैं जो हमारे लिए फॉर्म को क्रिएट करने में हेल्पफुल होते हैं, यानी कि जब हम लोग प्रोग्रामिंग करते रहते हैं तो उस समय में जो टूल्स होते हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, यूजफुल होते हैं, वही टूल्स के बारे में हम देखते हैं। देखो, जब हम लोग विजुअल बेसिक ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद स्टैंडर्ड .exe पे क्लिक करेंगे तो हम लोग को एक पेज खुलता है, विंडो खुलता है, उसके बारे में हम लोग सब देखे थे। उसी में लेफ्ट साइड में टूल्स दिए हुए रहते हैं, ये आप अपने बुक में भी देख सकते हैं, ये टूल्स दिए हुए हैं जिसमें ऊपर क्या लिखा हुआ है जनरल, उसके जस्ट लेफ्ट साइड में कॉर्नर में सबसे टॉप में क्या है पॉइंटर है, ये कौन सा टूल है, इस टूल को हम बोलते हैं पॉइंटर। और वही ये वाला टूल जो है ये क्या है पिक्चर बॉक्स है, जिससे हम लोग पिक्चर को इंसर्ट करते हैं अपने मतलब कि हार्ड डिस्क से, अपने स्टोरेज डिस्क से, ठीक। दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है लेबल, क्या है ये ए का जो ये सिंबल दिख रहा है ये क्या है लेबल है। फिर यहाँ पे ए बी का जो सिंबल दिख रहा है ये क्या है टेक्स्ट बॉक्स है, क्या टेक्स्ट बॉक्स, यानी कि अगर हम लोग को कोई टेक्स्ट इंटर करने के लिए बनाना हो, सेव बनाना हो, तो उसके लिए हम लोग इसी टेक्स्ट बॉक्स को ड्रो करते हैं, ड्रैगन ड्रॉ करते हैं। फिर यहाँ पे है ये कौन है एक्स वाई और ऐसे करके बना हुआ ये जो शेप दिख रहा है ये फ्रेम है। दूसरा यहाँ पे इधर है कमांड बटन, ये जो बटन दिख रहा है ये कौन सा बटन है कमांड बटन, ये सारे टूल्स हैं जो हम लोग को विजुअल बेसिक में प्रोग्रामिंग करते समय में यूजफुल होते हैं। फिर यहाँ पे चेक बॉक्स क्या है एक स्क्वायर की तरह बना हुआ है, इस पर टिक लगा हुआ है, ये कौन सा बॉक्स है चेक बॉक्स है। फिर ये ऑप्शन बटन, ये हाफ लगा हुआ हाफ, फिर इस पर डॉट है, ये कौन सा बटन है ऑप्शन बटन। फिर ये है कॉम्बो बॉक्स, ये वाला बटन जो है ये बॉक्स जो है ये कौन सा है कॉम्बो बॉक्स, ये क्या है विश बॉक्स, दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, इसको ध्यान से हम लोग देखेंगे अपने बुक में देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। फिर यहाँ पे एच स्क्रॉल बार है, ये जो बार है स्क्रॉल बार है वो कौन सा स्क्रॉल बार है एच स्क्रॉल बार है, क्योंकि देखो ये बीच में एच के सा बन रहा है ना, इसलिए इसे एच स्क्रॉल बार हो गया। वही ये जो बी की तरफ बन रहा है ऐसे बी की तरफ, ये क्या हो गया बी स्क्रॉल बार हो गया, यानी कि अप डाउन अगर करना हो तो ये स्क्रॉल बार, और ये लेफ्ट राइट करना हो स्लाइड करना हो तो एच स्क्रॉल बार का यूज करते हैं एच स्क्रॉल इसका। फिर यहाँ पे ये क्या है एक वॉच की तरह सिंबल बना हुआ है जिसे हम लोग कहते हैं टाइमर, अक्सर इसका सिंबल हम लोग देखने को मिलता है अपने मोबाइल में जब टाइमर सेट करते हैं तो उस समय में दिखता ना वही सिंबल यहाँ पे भी रहता है, लेकिन इसका यूज अलग होता है। फिर यहाँ पे इसमें भी टाइमर सेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। फिर यहाँ पे ये फाइल मैनेजर, जैसे हम लोग अपना फोन ओपन करते हैं तो उसमें फाइल मैनेजर का सिंबल होता है, जस्ट लाइक उसी तरह से यहाँ पे भी एक टूल होता है जिसका नाम होता है डायरेक्ट लिस्ट, क्या होता है डायरेक्टरी लिस्ट, यानी कि डायरेक्टरी लिस्ट। और फिर यहाँ पे एक और यहाँ पे ये क्या है ड्राइव लिस्ट बॉक्स, क्या ड्राइव लिस्ट बॉक्स, और फिर उसके नीचे क्या है फाइल लिस्ट बॉक्स, ये कौन सा है फाइल लिस्ट बॉक्स, जैसे हम लोग एमएस वर्ड पढ़ते हैं तो फाइल सेव करते हैं ना तो डॉक्यूमेंट की तरह बनता है, वैसा ही ये भी सिंबल होता है, और यहाँ पे इसका नाम होता है फाइल लिस्ट बॉक्स, ये क्या है एक टूल है, और ये टूल का यूज करके हम क्या करते हैं प्रोग्रामिंग को ईजी कर लेते हैं और बहुत ही आसानी से प्रोग्रामिंग कर पाते हैं। ये क्या है सेफ बॉक्स, ये क्या है सेफ, यानी कि
ऐसे बना हुआ स्क्वायर, फिर रेक्टेंगल, फिर सर्कल, ये बना है शेप, ये कौन सा टूल है शेप। फिर यहाँ पे एक इमेज की तरह है, कैसा बना हुआ है ऐसा, ये पहाड़ बन गया है ना, ऐसे बना हुआ है। ये क्या है इमेज, ये कौन सा हो गया टूल्स, इमेज टूल्स। यहाँ पे एक ओ एल ई टूल्स होता है, ओ एल ई क्या होता है, डॉट 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 होता है, ओ एल ई लिखा हुआ रहता है, ओ एल ई टूल्स। इन सारे टूल्स के बारे में हम लोग आगे देखेंगे चैप्टर में कि कैसे इन सब का यूज होता है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, पहचान लेते हैं कि कौन सा टूल का क्या नाम है, उसके बारे में जानेंगे कि इसका यूज क्या होता है। ये जो है लाइन, ऐसे दिया हुआ लाइन, ये हो गया लाइन टूल, और ये जो है एक ये डेटा टूल है, कौन सा टूल है डेटा टूल। इस तरह से हम लोगों ने विजुअल बेसिक के बहुत सारे टूल्स के बारे में देख लिए, जान लिए, इससे हम लोग क्या हो गए इंट्रोड्यूस हो गए। इसे हम लोग पहचान में आ जाएगा कि ये क्या है तो पॉइंटर है, ये क्या है पिक्चर बॉक्स है, ये क्या है ऑप्शन बटन है, ये क्या है ब्राइटनेस बॉक्स है, ये क्या है एच स्क्रॉल बार है, ये वी स्क्रॉल बार है। इस तरह से अगर हम लोग इसको अच्छे से जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, तो हम लोग को प्रोग्रामिंग करते समय में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और बड़े आसानी से हम प्रोग्रामिंग कर पाएंगे। फिर हम लोग देखते हैं इसके बाद इसमें कि कैसे हम लोग विजुअल बेसिक में प्रोग्रामिंग करते हैं, यानी कि छोटा सा एग्जाम्पल लेकर हम देखेंगे कि प्रोग्रामिंग कैसे किया जाता है विजुअल बेसिक में। इससे पहले हम लोगों ने विजुअल बेसिक के बारे में कुछ कंसेप्ट को देखा था, अब हम लोग देखेंगे कि कैसे विजुअल बेसिक में प्रोग्रामिंग किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक को ओपन करें हैं। ओपन करने के बाद हम लोग का एक विंडो मिलता है, उस विंडो पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद स्टैंडर्ड डॉट ई एक्स ई आता है, क्या स्टैंडर्ड डॉट ई एक्स ई, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो एक नया विंडो ओपन होकर आता है जिसमें फॉर्म विंडो रहता है और बहुत सारे विजुअल बेसिक के टूल्स होते हैं जिसका यूज करके हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं और ये सारे टूल्स हम लोगों के प्रोग्रामिंग के लिए यूजफुल होते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं जब हमारा विजुअल बेसिक एप्लीकेशन ओपन हो गया है, न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर दिए हैं और जो फॉर्म विंडो आया है उस पर हम लोग कैसे करते हैं। तो जब हम लोग का विजुअल बेसिक ओपन हो गया रहता है उस पर जो विंडो दिखाई देता है फॉर्म वन, डिफॉल्ट नेम क्या होता है फॉर्म वन के नाम से पहले भी बता दें ये डिफॉल्ट फॉर्म है। जब इसी फॉर्म वन पे टॉप में हम लोग डबल क्लिक करेंगे तो एक और नया विंडो ओपन होकर आता है, उस विंडो को हम लोग कहते हैं सोर्स कोड विंडो, क्या कहते हैं सोर्स कोड विंडो। इसी सोर्स कोड विंडो में ही हम लोग क्या करते हैं प्रोग्रामिंग करते हैं। अब इसमें क्या है जब सोर्स कोड विंडो ओपन होता है तो इसमें दो टू लिस्ट बॉक्स ओपन होते हैं, क्या लिस्ट बॉक्स, एक लेफ्ट साइड में लिस्ट बॉक्स होता है और एक राइट साइड में लिस्ट बॉक्स होता है। लेफ्ट साइड में भी जब लिस्ट बॉक्स को हम लोग क्लिक करेंगे तो बहुत सारे लिस्ट ओपन होकर आते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू में, राइट साइड में भी जब हम लोग लिस्ट बॉक्स ओपन करेंगे तो इसमें भी बहुत सारे ड्रॉप डाउन मेन्यू में बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, लिस्ट आएंगे जिसका यूज करके हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। तो वही ये सारे आपकी बुक में ओपन है, देख लीजिए, अपना बुक को ओपन कीजिए और उसमें पिक्चर दिखाया गया है उसको देखिए, लेफ्ट साइड और राइट साइड में फॉर्म वन के नाम से एक विंडो है जिसपे प्राइवेट शॉप लिखा हुआ है और लेफ्ट साइड और राइट साइड में दो दो ड्रॉप डाउन मेन्यू है जिसे हम लोग लिस्ट बॉक्स कहते हैं। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है इन द फिगर द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेड इज फॉर्म एंड द एसोसिएटेड प्रोसीजर्स इज लोड, यानी कि जैसे ही हम लोग इस फॉर्म वन पे डबल क्लिक करेंगे तो एक नया सोर्स कोड विंडो ओपन होगा, लेफ्ट साइड में ड्रॉप डाउन मेन्यू होगा, राइट साइड में भी ड्रॉप डाउन मेन्यू होगा जिसे हम लिस्ट बॉक्स कहते हैं और लिस्ट बॉक्स में इसका क्या होता है बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका बुक में आपके बुक में एक और इमेजेस है फिगर्स है उसको देखिए, उसमें लिखा है व्हेन यू क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट बॉक्स, यानी कि
क्या है, ये लिस्ट बॉक्स है, और ये क्या है, ये इसका प्रोसीजर है, क्या है इसका एसोसिएटेड प्रोसीजर है। इसी के हिसाब से जाने के लिए हम जो कमांड यूज करते हैं तो इसके हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन आएगा, तो हम यूज करेंगे तो इसके हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन आएगा, यानी कि इसका एसोसिएटेड क्या है, प्रोसीजर्स है, ये लिस्ट बॉक्स है, ये क्या है, प्रोसीजर्स है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि जब हम लोग लिस्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा, और ड्रॉप डाउन मेन्यू में क्या क्या लिखा रहेगा, तो जनरल, कमांड वन, फॉर्म वन, लेवल वन, पिक्चर वन, ये सारे कहाँ होते हैं, लिस्ट बॉक्स में होते हैं। और वही जैसे कि सपोज दैट हमने फॉर्म वन पे क्लिक कर दिया, जिस पे फॉर्म वन पे क्लिक किया, तो फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो ऐसा पिक्चर होगा, ऐसा डिस्प्ले आएगा, जिस पे ये क्या होगा, यहाँ पे नोड लिखेगा, और नोड लिखने के बाद देखो इसमें बहुत सारे ऑप्शन आएंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर, लॉस्ट फोकस, माउस डाउन, माउस मूव, माउस अप, ऐसे ही करके पेन, ऐसे ही करके बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। ये सारे क्या होते हैं, इससे एसोसिएटेड होते हैं, इससे जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एसोसिएटेड प्रोसीजर्स ऑफ लिस्ट बॉक्स, यानी कि लिस्ट बॉक्स का एसोसिएटेड प्रोसीजर्स होते हैं, इसी के हिसाब से क्या होते हैं, काम होते हैं। तो जब हम लोग फॉर्म वन को ओपन किए थे तो क्या लिखा था, यू कैन सी द फॉर्म द कमांड बटन विद द नेम, कमांड बटन का नेम क्या लिखा हुआ था, कमांड वन, लेवल का क्या नाम है, लेवल फर्स्ट, फॉर्म एंड द पिक्चर बॉक्स विद द नेम पिक्चर वन, और पिक्चर का क्या नाम है, पिक्चर वन, यानी कि जो लेवल बॉक्स है वो लेवल वन के नाम से, पिक्चर बॉक्स है वो पिक्चर वन के नाम से, कमांड बॉक्स जो है वो कमांड वन के नाम से आएगा ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर। ऐसा क्यों होता है, ऐसा डिफॉल्ट है, जब कभी भी हम लोग न्यू विंडो ओपन करते हैं तो प्रोजेक्ट फर्स्ट लिखता है ना, फॉर्म वन लिखता है, उसी तरह से कमांड वन, पिक्चर वन, बॉक्स, पिक्चर बॉक्स वन, ये सब रहेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि जब फॉर्म वन विंडो ओपन होता है तो उसमें कौन कौन से एसोसिएटेड प्रोसीजर्स होते हैं। तो सम ऑफ द प्रोसीजर्स एसोसिएटेड विद द ऑब्जेक्ट फॉर्म आर एक्टिवेट, यानी कि जब हम लोग फॉर्म वन पे डबल क्लिक करते हैं तो एक न्यू विंडो ओपन होता है, सोर्स कोड विंडो, और सोर्स कोड विंडो में दो दो ड्रॉप डाउन मेनू ऑप्शन होते हैं, जिसमें से फर्स्ट वाला लिस्ट बॉक्स होता है और सेकेंड वाले इसके एसोसिएटेड प्रोसीजर्स होते हैं। तो जब लिस्ट बॉक्स पे हम लोग क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे कमांड वन, लेवल वन, पिक्चर बॉक्स वन। उसके बाद जब हम लोग इसके एसोसिएटेड प्रोसीजर्स में कौन कौन सा आता है उसको देखते हैं, तो एसोसिएटेड प्रोसीजर्स में आते हैं एक्टिवेट, क्लिक, डीबीएल क्लिक, डीबीएल क्लिक का मतलब होता है डबल क्लिक, ड्रैग ड्रॉप, ड्रैग ड्रॉप मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप जो मूव करने वाले होते हैं, इसको पहले बता चुके हैं, की प्रेस, इटीसी, ईच ऑब्जेक्ट हैज इट्स ऑन सेट ऑफ प्रोसीजर्स, यानी कि जितना भी ऑब्जेक्ट हैं उन सभी का अपना अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं। जैसे लिस्ट बॉक्स में क्या होता है, लेवल वन, तो लेवल वन का अपना अलग प्रोसीजर्स होगा, कमांड वन, कमांड वन का अपना अलग प्रोसीजर्स होगा, पिक्चर बॉक्स वन, पिक्चर बॉक्स वन का भी अपना अलग प्रोसीजर्स होगा, फॉर्म, फॉर्म का भी अपना अलग प्रोसीजर्स होगा, यानी कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन सभी ऑब्जेक्ट का अपना अपना एसोसिएटेड प्रोसीजर्स होते हैं। फिर यहाँ पे आप देखते हैं कि कैसे इसमें हम लोग वर्क करते हैं, तो टाइप द कोड बिटवीन द अबव टू स्टेटमेंट, दैट इज प्राइमरी सब फॉर्म लोड फॉर्म अंडरस्कोर लोड एंड सब्जेक्ट एक्जेक्टली एज शोन इन द फिगर बिलो। आप लोग अपना बुक ओपन कीजिए, उसमें एक पिक्चर दिया हुआ है जिसमें देखिए आपको एक पिक्चर में बताया है कि कैसे हम लोग कोडिंग दिया जाता है, कैसे प्रोग्रामिंग किया जाता है। तो सबसे पहले जब फॉर्म विंडो ओपन हुआ है, फॉर्म वन, उस पर क्या लिखा रहता है, प्राइवेट सब फॉर्म अंडरस्कोर लोड, क्या लिखा रहता है, प्राइवेट सब फॉर्म अंडरस्कोर लोड, ऐसे ही करके बीच में जो भी इंफॉर्मेशन डालना है वो डालना रहता है, और फिर लास्ट में जब इसको प्रोग्राम क्लोज करते हैं तो एंड सब लिखा हुआ रहता है। जैसा कि एक एग्जांपल यहाँ पे बता चुके हैं, देखते हैं, प्राइवेट सब फॉर्म अंडरस्कोर लोड, ये क्या है, हम लोग का फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया, और इसके बीच में फॉर्म
डॉट सो प्रेज वेलकम टू द बीबी ट्यूटोरियल एंड सब्जेक्ट। ये सब क्या है, बीच वाला ये इन्फॉर्मेशन मिल गया और ऐसे हम लोग क्या हुआ, प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुआ। ये सब क्या है, कमांड है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे फ्रॉम वन डॉट सो क्यों लिखा गया है। जब कभी भी हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसमें फ्रॉम वन डॉट सो लिखा हुआ है, यानी कि हम लोगों को जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उसको आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए हम लोग फ्रॉम वन डॉट सो कमांड का यूज करते हैं। और फिर आउटपुट क्या करना है, जो इन्फॉर्मेशन आउटपुट करना रहता है उसे हम लोग प्रिंट के अंदर में, प्रिंट कमांड के अंदर इनपुट करते हैं। जैसे वेलकम टू द बीबी ट्यूटोरियल, यानी कि ये जो हम प्रोग्रामिंग किए हैं, ये जो कोडिंग इस पे है, ये इसका आउटपुट कैसा होगा, सिंपल सा यहाँ पर लिखा होगा वेलकम टू द बीबी ट्यूटोरियल, बस और कुछ नहीं होगा। ये जितना भी कमांड दिया हुआ है ये सब उसको आउटपुट में नहीं करेगा। अब क्वेश्चन आता है कि हम लोगों को आउटपुट करने के लिए क्या करेंगे, ऐसे ही कोडिंग कर लिए और एक सब्जेक्ट लिख दिए तो ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग ऑटोमेटिक आउटपुट हो जाएगा क्या? नहीं, आउटपुट करने के लिए हम F5 की का प्रेस करते हैं। इसके पहले भी बताया कि जब कभी भी हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे और उसको रन कराने के लिए कीबोर्ड से F5 को प्रेस करेंगे तभी जाकर वो हम लोग का प्रोग्राम रन करेगा और आउटपुट होगा। तो याद रहेगा सबसे पहले क्या बोले थे कि आउटपुट कराने के लिए हम लोगों को फॉर्म वन डॉट शो दिखाना पड़ता है, इस कमांड का यूज करना पड़ता है, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा, शो नहीं होगा। ये कमांड अगर यूज नहीं करेंगे और F5 50 बार भी क्लिक करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर वही हम लोग F5 को इस कमांड का यूज कर लेते हैं और तब F5 को क्लिक करेंगे तो हम लोग को एक नया विंडो ओपन होगा और उसमें जो भी प्रोग्रामिंग दिए रहेंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन प्रिंट कमांड के अंदर दिए रहेंगे वो सारे शो करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इसके बहुत सारे एग्जांपल्स के बारे में। इसमें एक ही एग्जांपल बताया कि कैसे प्रोग्रामिंग किया जाता है। तो सबसे पहले कौन सा कमांड, प्राइवेट सब फॉर्म लोड, उसके बाद क्या है, फॉर्म वन डॉट सो प्रिंट के अंदर में डालेंगे वेलकम टू द बीबी या प्रिंट के अंदर में जो भी इंफॉर्मेशन हो उसे डालेंगे और फिर जब प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा तो एंड सब कमांड का यूज करते हैं और इस तरह से हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर था प्रोग्रामिंग का, बीबी बेसिक में। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स